हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आज हम खेलने जा रहे हैं मैं करेना, और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं। और आज हम कंट्रोल पॉइंट मैच खेल रहे हैं, और सबसे पहला कंट्रोल पॉइंट कैप्चर करने के लिए मैं बढ़ गया हूं और ये कैप्चर कर दिया है। और बीच वाला सेंटर पॉइंट जो सबसे खतरनाक होता है उसको कैप्चर करने जा रहे हैं, और ये भी कैप्चर। और सामने जाइफर आते हुए, ओ भाई रॉकेट मोटर भाई, और मैं थोड़ा सा पीछे हट गया रॉकेट मोटर को देख के। और सामने ये दोबारा चीता, चीता को हमने घसीटा। और ये एक और सामने एरेस है, हम आगे बढ़ते हैं। और ये एरिस भाई, ये कहां से आते हैं, सारा डैमेज मैंने दिया उसको और पूरा किल ले गया वो मेरा। चलो, और ये किल शॉट, और ये ठप्पा, और एक ही मिनी डैश में किल शॉट खत्म। इधर बहुत सारे सेंटर पॉइंट पे मैच दिख रहे हैं दुश्मनों के, और ये ठप्पा, एक और किल शॉट खत्म। ओ भाई कितना सा एचपी बचा मेरा, और ये ठप्पा, एक और हैरिस, टाटा बाय बाय खत्म। देखते हैं मैं एक और को मार पाता हूं या नहीं। और ये सामने हैरिस, ओ भाई डोमिनेटिंग मिल चुका है मुझको, खत्म, बाय बाय टाटा, गुड बाय, गया। दोस्तों मुझे किसी ने गुड बाय टाटा कर दिया है, और गार्जियन उतारा, और आते ही मैंने मेरा रिवेंज ले लिया है। गार्जियन का बहुत शानदार शॉट, रिवेंज ले लिया है भाई। मैंने जाइफर को मारा था, उसने ही मुझे मारा था, तो ये रिवेंज किसका लिया मुझे समझ में नहीं आया। ये भाई कुछ भी चल रहा है मैं करना में, कुछ भी। और ये जाइफर मुझे देख रहा है, चलो इसके साथ मजाक करते हैं, और मैं यहाँ साइड में छुप जाता हूँ, क्या है मुझे ढूंढ पाएगा। ओ भाई मैंने इसकी पावर गायब कर दी, अभी ढूंढ रहा है कि पावर गायब किसने की। ओ भाई ये मेरे को बहुत बुरी तरीके से ढूंढता हुआ जाइफर, क्या आखिर ये पावर गायब किसने की, और अभी भी नहीं ढूंढ पा रहा है जाइफर मेरे को। और दोबारा मैंने एक और बार इसकी पावर गायब कर दी है। ओ भाई पूरी तरीके से ढूंढता हुआ ये, इतनी देर में मैंने एक और मार दिया, और जाइफर ने मुझे देख लिया आई थिंक अब, और ये मेरे ऊपर गोलियां चला रहा है। ओह क्या बात है, और मेरे टीममेट ने मेरी मदद कर दी, नहीं तो रॉकेट मोटर के साथ पास में रह करके मैं उसको नहीं मार पाता। और एक और बार मैंने रॉकेट मोटर चलाया, क्या मैं मार पाऊंगा, नहीं कोई नहीं मरा है रॉकेट मोटर से। और इसकी एचपी जरा सी है, एक बार और चला के देखता हूँ क्या ये मरता है। ओ कोई पहले ही किल ले गया, और दोबारा एक और बार, ओ भाई वो पूरा का पूरा ऊपर उसके माउंटेन पे पड़ा, उसके ऊपर एक भी किल नहीं लगा। एक और प्रयास करते हैं इसको मारने, ओ भाई दोबारा किल कोई ले जा रहा है, मैं जिसको भी एम करता हूँ वो किल मेरा कोई ले जा रहा है भाई, ये हो क्या रहा है ये सारा का सारा। और ये सामने एक और, फिर डैमेज नहीं पड़ा सेंटर में, इसको तो पड़ेगा भाई, और इसको भी डैमेज नहीं पड़ा है। देखते हैं आगे, वाह डैमेज पड़ा लेकिन उतना नहीं पड़ा, वो जगह से ही मूव कर गया। तो गाइस ये दोबारा आ चुका है मेरे सामने, अब की बार तो भाई तू जाएगा। ओ बहुत डैमेज पड़ा है इसको, लेकिन फिर भी अभी पूरी एचपी खत्म नहीं हुई है। दोबारा एक और बार ट्राई करते हैं इसको डैमेज देने का, अब की बार तो मर जाना चाहिए। ओ भाई क्या एचपी बची है, ओ 11.5k का डैमेज, और उसके बाद भी वो नहीं मरा जरा सी एचपी होने के बाद। भाई कौन सी चक्की काटा खाते हो तुम। और दोबारा एक और बार ट्राई करते हैं, ओ भाई इतना डैमेज देने के बाद भी नहीं मर रहा है, भाई गजब हो गया ये तो। सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको। क्या खाकर गया है ये, चलो इसको पास जाके मारते हैं एक बार।
एक बार और दूसरे ट्राई करते हैं। रॉकेट मोटर मेरे पास, पास जाऊंगा तो मरेगा किसे? मुझे ऐसा लगता है दोबारा ग्लिच आ चुका है मैं करने में और मैंने इसकी पावर गायब कर दी है। टाइम देखिए दोस्तों, 0-0 हो चुका है, लेकिन उसके बाद भी ये मैच चल रहा है लगातार। हम जीत चुके हैं, 100 पॉइंट हो चुके हैं हमारे, और ये भी मुझे मार रहा है दोस्तों, लेकिन मेरी हेल्थ बिल्कुल भी कम नहीं हो रही है और मेरी हेल्थ उतनी की उतनी बनी हुई है। तो आपको क्या लगता है दोस्तों कि ये ग्लिच क्यों आता है, ऐसा क्यों होता है मैं करने में? आप हमें हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं इसका कारण क्या है। और ये मुझे मारे जा रहा है भाई, रुक नहीं रहा है। मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो, हम कोई मंदिर का घंटा है कि कोई भी आके बजा जाता है? भाई कितना मारेगा और मारे जा रहा है। चलो एक काम करते हैं गाइस, इसको नीचे धक्का देने की कोशिश करते हैं। क्या लगता है आपको कि मैं इसको गिरा पाऊंगा या नहीं? और मैं और धक्का देता हूं इसको जोर से। ये तो टच से मस नहीं हो रहा है, जगर नोट है। और एक और बार मैं ट्राई करता हूं और ये नहीं जा रहा। तो चलो कोई बात नहीं, मैं मर के देखता हूं, देखते हैं क्या होता है। बेटे बेटे मौज कर दी, हाँ मौज कर दी, वाह बेटे वाह, अरे वाह शेर हुआ तुम तो। दोस्तों गिरने के बाद भी मेरा मैक नहीं मरा है, तो चलिए मैक चेंज करके देखते हैं क्या दूसरा मैक डिप्लॉय हो पाता है। और ये मैंने ट्राई किया और डिप्लॉइंग लिखा आ रहा है, मुझे नहीं लगता कि होगा। और जी हाँ दोस्तों, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ, डिप्लॉइंग नहीं हो रहा है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, और चैनल सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू।